आज की हमारी क्लास रमज़ान स्पेशल क्लास है। इसमें मैं बताऊंगा रमज़ान के बारे में। रमज़ान इस्लामी नवा महीना है। इसके अंदर तीन अशरे होते हैं, पहला रहमत, दूसरा मगफिरत, तीसरा जहन्नम से निजात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान जो है वो हमारे अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक तोहफा है, जिसमें अल्लाह ताला हमें मौका देते हैं कि हम अपने गुनाहों की तौबा करें, अपनी नेकियां बढ़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हम सबको पता है कि रमज़ान में शैतान कैद कर दिया जाता है, लेकिन हम फिर भी गुनाह करते हैं, तो हमें अपने नफ्स पर काबू रखना चाहिए और गुनाहों से बचना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी ज़बान में रोज़े को सोम कहते हैं, जिसके मायने है रुक जाना। किस चीज़ से रुक जाना? तो खाने पीने से और गुनाहों से। अल्लाह ताला के लिए सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ़ताब तक हर चीज़ की ज़कात होती है, और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान के आखिरी अशरे में इतकाफ़ में बैठा जाता है, जो मर्दों की तरह औरतों के लिए मसनून है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत के सात दरवाजे हैं, जिनमें से एक दरवाज़ा बाबुल रियान है, वो सिर्फ रोज़ेदारों के लिए मखसूस है।